हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट को हाईलाइट कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल और स्पेस बटन दबाएंगे, इससे आपका जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा कम्प्लीटली। उसके बाद हाईलाइट करने के लिए बताया था मैंने, यहाँ से जाकर शॉर्टकट की बताई थी। अभी मैं आपको विंडो में जाके कैसे करते हैं, अपने एक्सेल सीट में जाके कैसे करते हैं वो है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद में हाईलाइट सेल्स पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको उससे पहले की वीडियो में बताया था कि हम कलर को चेंज कैसे कर सकते हैं। अभी तो ये रेड आ रहा है, अगर कुछ और कलर से सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो अभी यहाँ मैं रेड ही रहने देता हूँ, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अभी हम रिमूव करने के ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए हम रिमूव कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे उस सेल को जहाँ से आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है, एल्ट ए एम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ये देखिए रिमूव हो गए। ठीक है, और देखिए रिमूव होने से हमें ये पता लग गया, क्योंकि अभी देखिए हाईलाइट जो सेल थे वो रेड कलर हट चुका है। अगर यहीं पर मैं ये डुप्लीकेट कर देता हूँ, वो देख लीजिए है ना, तो ये रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम जो यूनिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं किसी डुप्लीकेट वाले कॉलम से या रो से।